नमस्कार, मैं सास बहू रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मयूरी और ये है मेरे मम्मी जी मिसेस चाइना बेन। तो मम्मी जी, आज हम क्या बनाने वाले हैं? आज हम उंधियो बनाएंगे ग्रीन ग्रेवी के साथ। ओके, तो आज हम बनाएंगे सूरती उंधियो। तो उंधियो बनाने के लिए हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं बैंगन, कंदिया, रताड़ू, पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस, मेथी, बनाना, पापड़ी। ये हमने एक पेस्ट लिया है और ये पेस्ट में हमने ऐड किया है चॉप्ड कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज और जिंजर। उसके साथ है बेसन, गेहूं का आटा, कोरिएंडर पाउडर, चॉप्ड कोरिएंडर, ग्रीन गार्लिक, गरम मसाला, सॉल्ट, शुगर, सोडा, रेड चिली का पाउडर, हींग और टर्मरिक। तो उंधिया बनाने के लिए सबसे पहले हम उंधिये के लिए जो मुठिये रहते हैं वो तैयार कर लेंगे। मुठिया बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में थोड़ा सा बेसन लेंगे और गेहूं का आटा लेंगे, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, सोडा, मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे और हम पानी डाल के एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। पराठे की कंसिस्टेंसी का हम डो नीड कर लेंगे, हम उसका मुठिया वाल सके और उसमें क्रैक ना हो जाए ऐसे रखेंगे। और एंड में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे एक बार अच्छे से नीड वापस कर लेंगे ताकि ऑयल जो है अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह से हम ये जो हमने मुठिये के लिए आटा तैयार किया इस तरह से हम गोल शेप दे देंगे मुठिये को। तो हमने जो मुठिये तैयार किए थे उसे हम अभी डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम ऑयल में ऐड करके मुठिये को डीप फ्राई कर लेंगे। इसे हमें एकदम स्लो फ्लेम पे डीप फ्राई करना है ताकि ये बीच में से जो है कच्चे ना रह जाए, हमें इसे स्लो फ्लेम पे डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से हमने मुठिये को जो है डीप फ्राई कर लिया है और हमने एकदम स्लो फ्लेम पे इसे डीप फ्राई किया है। तो इसी तरह से इसी ऑयल में हम जो सारे हमने वेजिटेबल्स लिए हैं उसे एक बार हम डीप फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हम पोटैटोस को डीप फ्राई करेंगे। तो इस तरह से थोड़े क्रिस्पी होने तक पोटैटोस को हमने डीप फ्राई कर लिया है। इसे अराउंड 3 से 4 मिनट लगते हैं। डीप फ्राई करने के बाद हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसी तरह से हम स्वीट पोटैटोस और जो कंद है उसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। अराउंड 3 से 4 मिनट तक हम इसे डीप फ्राई करेंगे ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो इस तरह से हमने स्वीट पोटैटोस और कंद को भी जो हमने डीप फ्राई किया था उसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं। हमने जो चीज़ों को डीप फ्राई किया, सबसे पहले हमने मुठ्ठी को डीप फ्राई किया, उसके बाद हमने वेजिटेबल्स को डीप फ्राई किया। तो हमें ये जो ऑर्डर है डीप फ्राई का वो ऑर्डर हमें यही रखना है। हमें सबसे पहले मुठ्ठी को ही डीप फ्राई करना है ताकि जो उसमें मेथी है वो मेथी का फ्लेवर जो है वो ऑयल में आ जाए और उसी ऑयल से हम उंधियो तैयार करेंगे। हमने जो मुठिया बनाने के लिए जो डो तैयार किया था, जो मसाला तैयार किया था, उसे हमने थोड़ा सा अलग से निकाल के रखा है ताकि जो बनाना है उसमें हम ये मसाले की स्टफिंग करेंगे। और ये जो हमने मुठिया को और जो वेजिटेबल्स को डीप फ्राई करने के लिए जो ऑयल था उसे हम अलग से एक बाउल में निकाल के रख देंगे। और अराउंड 3 टेबल स्पून जितना ऑयल हम लेंगे अभी फ्राइंग पैन में, ये वही ऑयल है जिसे हमने सारे वेजिटेबल्स को डीप फ्राई किया था। अब इस ऑयल में हम थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे
और हींग ऐड करने के बाद हमने इसमें पापड़ी ऐड कर दी और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, शुगर, और अब पिंच ऑफ सोडा ऐड करेंगे और हम अच्छे से चला लेंगे। अराउंड 2 टेबलस्पून जितना हम इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसे ढक के रख देंगे। इस तरह से ऊपर पानी ऐड करके इसे हम पापड़ी को कुक करने के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। अब हम अराउंड 4 से 5 मिनट के बाद इसे हम एक बार ओपन करके देख लेंगे। पापड़ी जो है वो आधी कुक हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रिंजल्स, और ब्रिंजल्स ऐड करने के बाद हम इसे फिर से एक बार ढक के रख देंगे और इसे हम कुक होने देंगे अराउंड 4 से 5 मिनट तक। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से कुक हो चुकी है पापड़ी और बैंगन दोनों। अब जो वेजिटेबल्स को हमने डीप फ्राई किया था, पटेटोस, रतालू और स्वीट पटेटोस को हम अभी ऐड कर देंगे इसमें। ऐड करने के बाद अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला, टर्मरिक, शुगर, और हमने जो पेस्ट तैयार किया था कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज और जिंजर का, वो हम ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो हमने मुट्ठी बनाए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें हमने मुठिये को और वेजिटेबल्स को फ्राई किया था। ये ऑयल में थोड़ा सा मेथी का फ्लेवर रह जाता है तो वही ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम अराउंड 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे कुक होने के लिए स्लो फ्लेम पर। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो उंधियू है वो तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। और अब हम इसे ऊपर से थोड़ा सा ग्रीन गार्लिक ऐड कर देंगे और हमारा उंधियू जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो हमारा जो ग्रीन उंधियू है
वो तैयार है। अभी हम इसमें एक ऑप्शनल स्टेप करेंगे, हम इसमें बनाना भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको बनाना नहीं पसंद है तो आप ये जो अभी स्टेप है वो स्किप कर सकते हो, और आप उंधियों को ऐसे भी सर्व कर सकते हो। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे स्टफ किए हुए बनाना। इस तरह से हम राइट बनानास लेंगे और राइट बनानास को हम स्किन के साथ ही इस तरह से हम कट कर लेंगे। बीच में से इस तरह से हम कट कर लेंगे। और हमने जो मुट्ठी के लिए जो मसाला तैयार किया था, वो हम वही मसाला हम बनाना में स्टफ करेंगे। हमने थोड़ा सा अलग से निकाल के रखा था मसाले को। इस तरह से मुट्ठी के मसाले को बनाना में स्टफ करेंगे। अब हम कुकिंग पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, और अब हम इसमें ये जो स्टफ किए हुए बनानास है वो ऐड कर देंगे। और इसे हम ढक के अराउंड 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। आप देख सकते हो कि ये बनाना जो है वो भी ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। इसे हमने एंड में इसीलिए किया क्योंकि बहुत लोगों को ये बनाना का जो टेस्ट है वो ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो जिसको भी पसंद है वो इसमें ऐड करके अलग से ऐड कर सकते हो उंधिये में। अब हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से तल के साथ, सीसेम सीड्स के साथ। और थोड़ा सा कोकोनट, ड्राई कोकोनट है। ग्रीन गार्लिक, चॉप्ड कोरिएंडर। तो हमारा सुरती उंधियू तैयार है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।